तो बच्चों, अपने इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के जो अलजेब्रिक मेथड्स हैं हमारे, उसमें से पहले अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में, और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम इस तीन स्टेप में, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इस तीन स्टेप में, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड, स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है, इन तीन स्टेप में हम अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें आपको दिया क्या रहेगा, चूंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आपको ऐसे दो इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें से एक ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। बाकी आप कंडीशन जानते हैं, ए वन बी वन बिलोंग ए वन बी वन सी वन रियल नंबर, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, वो बात की बात है। ठीक है, वो पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब इसमें एक इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे, एक इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दो इक्वेशन हो गए, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब स्टेप फर्स्ट क्या कहता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। स्टेप फर्स्ट में हम करते क्या हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ वेरिएबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन, यानी दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से, चाहे पहले इक्वेशन में से चाहे दूसरे इक्वेशन में से, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चाहे पहले इक्वेशन से चाहे दूसरे इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो चाहे एक्स की वैल्यू चाहे वाई की वैल्यू, है ना, इन टर्म ऑफ अदर। ठीक, तो अगर आप वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स, और अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ वाई। तो ये हमारा पहला स्टेप कि जैसे हमें आसानी हो, ठीक है, जैसे हमें आसानी हो हम करते क्या हैं कि दोनों में से किसी भी इक्वेशन में से, चाहे पहले इक्वेशन में से चाहे दूसरे इक्वेशन में से, देखिए जैसे हमें आसानी होगी हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दूसरे वैल्यू वेरिएबल के टर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर वन परफॉर्म करते हैं अपना। ठीक है, तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दो इक्वेशन दिए हैं, तो इसको हमने वन मान लिया और इसको हमने टू मान लिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, क्वेश्चन ये है कि किसी भी एक इक्वेशन से चाहे आप एक्स की वैल्यू निकालिए चाहे आप वाई की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो देखिए आसानी है, इक्वेशन बहुत सिंपल है, इसलिए आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो मैं स्टेप वन अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टेप वन में मैं कर क्या रहा हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाले इक्वेशन से, और जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन है वह है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इस फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप वाई की भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो ये एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन हो गया सेकंड इक्वेशन। आप देखिए इसमें से आपको पहला जो इक्वेशन है, ये जो पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से एस की या टी की वैल्यू निकालने में आपको आसानी होगी, इसमें नहीं आसानी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम पहले वाले इक्वेशन से ही निकालते हैं। ठीक, तो इसमें हमने क्या किया, स्टेप नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इक्वेशन फर्स्ट में से, है ना, जो कि हमारा एस माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, इस इक्वेशन में से हमने एस की वैल्यू निकाली और ये आया 3 प्लस टी, है ना, और इसको हम मान लिए इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक, देखिए ध्यान से, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3, अगर आप टी की वैल्यू निकालते तो एस को इधर करते, फिर ये माइनस था इसको प्लस करते, क्या फ़ायदा, है ना, टी को इधर कर देते हैं, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अब इस इक्वेशन में देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल लग रहा है, हम इसी से करते हैं। ठीक, तो स्टेप नंबर वन में जब करेंगे तो ये हमारा पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, हम करेंगे क्या कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, देखिए y को अगर इधर लाते हैं
तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3x प्लस 3x माइनस 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका 3x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस वाई, इधर आएगा प्लस वाई हो जाएगा वाई, ठीक है, यानी वाई की वैल्यू आपको मिल गई 3x माइनस 3, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम नोट करते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि हर वैल्यू में देखिए यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी हर जगह, ठीक है। तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, बहुत ईजी होगा कि हम पहले वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे वाले इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए होगा क्या, पहले वाले इक्वेशन को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 2x, क्योंकि एक प्लेस बार डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल हट जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3y, प्लस ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। इसी तरीके से 0.4x है, ये हो जाएगा 4x, प्लस ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 23, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन थर्ड मान लिया, इसको इक्वेशन फोर मान लिया। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है, तो जो पहले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है, कि 2x है, तो अब हम क्या करेंगे अपनी आसानी के लिए, ठीक है, खैर यहाँ ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, किसी से भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से तीसरे वाले इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो देखिए तीसरा वाला इक्वेशन आपका ये है, इसमें से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x को इधर रखेंगे, y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। देखिए y यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस 3y हो गया। ठीक, नाउ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ गई, इसको मैंने मान लिया 5, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है। तो दोनों सेम, किसी से भी आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे आपको उतनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप नंबर 1 परफॉर्म कर रहे हैं और अपने पहले इक्वेशन से, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x को इस साइड रखेंगे, तो रूट टू एक्स को हम इधर ही रख रहे हैं और 3y को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 3y। नाउ x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, ये y हो जाएगा, और इस तरीके से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, और ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीसरा इक्वेशन मिल गया। उसके बाद ये देखिए, है ना, इसमें भी हम स्टेप फर्स्ट अपना परफॉर्म करेंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए गंदे दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा गंदा लग रहा है, ये वाला कम गंदा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 और 5 मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम सेकेंड में से, सेकेंड इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा x बाई 3, वाई बाई 2 इधर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो y बाई 2 जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो ये हो जाएगा 13 बाई 6 माइनस y बाई 2। अब ये देखिए, ये 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ x बचा। यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करने का देखिए मतलब ये है कि यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कट गया, x बचा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 टू जा 6, ये बचेगा 13 बाई 2, और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y बाई 2, ठीक है। अब चूंकि दोनों डिनोमिनेटर 2 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई, और x की इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लिए, ठीक है, इक्वेशन थर्ड, ठीक। तो इसको हम थर्ड मान लिए, ठीक है। अब ये स्टेप नंबर 1 हम सारे क्वेश्चन में कर चुके। स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, स्टेप नंबर 1 हमारा ये था कि दो इक्वेशंस होंगे हमारे पास,
दो इक्वेशंस होंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में से जहां से आपको आसानी हो वहां से या तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे या तो आप वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और ये काम हम कर चुके। नाउ स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं, स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं कि जो वैल्यू हम निकाले होते हैं, देखिए चूंकि हमारे पास दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन था सेकेंड। मान लेते हैं हमने सेकेंड से निकाली वैल्यू वाई की, तो अगर आप वाई की वैल्यू निकालेंगे सेकेंड वाले से तो सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से। यानी अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाली है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, और अगर आपने दूसरे से निकाली है तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले इक्वेशन में। ये ध्यान रहे, अगर आपने वैल्यू निकाली है पहले इक्वेशन से तो उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे में, अगर आपने दूसरे से निकाली है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्योंकि दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू आती है वो सब्स्टिट्यूशन से ही आती है, ठीक। तो अब देखिए, तो पता क्या चला कि स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं कि जो स्टेप नंबर वन में हमने किया था कि हम एक्स की या वाई की वैल्यू निकाले थे, तो अगर वो वैल्यू अगर हम पहले इक्वेशन से निकालेंगे तो उसको पुट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, और अगर दूसरे इक्वेशन से उसको निकाला होगा आपने तो उसको पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना होता है, पुट करने के बाद अगर कभी ऐसा आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, पुट करने के बाद कभी अगर ऐसा आ जाए कि कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए, 4 = 4 आ जाए, 5 = 5 आ जाए, वेरिएबल ही ना रहे, ठीक है, तो अगर वेरिएबल ही ख़त्म हो जाए सेकंड स्टेप में, अगर वेरिएबल ही ख़त्म हो जाए, ध्यान रहे सेकंड स्टेप में अगर वेरिएबल ही ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलिए अपना स्टेप नंबर सेकंड परफॉर्म करते हैं, और स्टेप नंबर सेकंड है क्या कि अगर आपने पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाली होगी तो उस वैल्यू को हम रखेंगे दूसरे में, और अगर दूसरे से निकाली होगी तो पहले में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए सेकेंड स्टेप को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो चूंकि x की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाली थी तो स्टेप टू में हम क्या करेंगे कि x से जो हमने पहले इक्वेशन x पहले इक्वेशन से जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसको हम पुट करेंगे दूसरे में, ठीक है। तो दूसरे में पुट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, x की वैल्यू निकाली है तो दूसरा वाला जो इक्वेशन है हमारा वो है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है तो एक्स की जगह पूरा इज्जत से ऐसे रख देंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। उसके बाद देखिए ये हो गया 14 माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। इसके बाद ये आपका आ जाएगा माइनस टू वाई, 14 इज इक्वल टू फोर। 14 इधर ट्रांसफ़र होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14 यानी माइनस 10, ठीक है। और इस तरीके से y इज इक्वल टू, देखिए माइनस से माइनस साइन कट गई, y इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी, वो मिल गई 5। तो सेकेंड स्टेप से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो चूंकि आपने, देखिए अगर आपने पहले स्टेप में x की वैल्यू निकाली होगी तो आपको सेकेंड स्टेप में y की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, अगर आपने पहले स्टेप में y की वैल्यू निकाली होगी तो आपको सेकेंड स्टेप में, है ना, x की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो इस तरीके से हमें y की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई 5, ठीक। तो ये हो गया इसमें स्टेप नंबर सेकेंड हमारा, है ना, कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड करना, पहले अदर क्वेश्चंस में कर लें। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमने जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी पहले इक्वेशन से एस की वैल्यू निकाली थी, तो अब इसको पुट कहाँ करेंगे, स्टेप नंबर टू में हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। पहले से वैल्यू निकाली थी इसलिए पुट करेंगे सेकंड में, ठीक है। देखिए वैल्यू निकाली थी एस की, वैल्यू हमने निकाली थी एस की, तो चूंकि वैल्यू हमने एस की निकाली थी तो इसका मतलब सेकंड स्टेप में हमें वैल्यू मिलेगी टी की, ठीक है। तो अब देखिए चलिए करते हैं, सेकंड इक्वेशन है हमारा एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू इज इक्वल टू 6। ये चूंकि हमें थोड़ा गंदा लगता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जब भी कोई वैल्यू आती है तो गंदा ही लगता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर के साथ पॉइंट में आ जाए तो वो उससे गंदा लगता है, अगर डिनोमिनेटर पॉइंट की जगह रूट आ जाए तो वो महागंदा लगता है, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि देखिए 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ताकि डिनोमिनेटर से वैल्यूज हट जाएँ,
ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं, देखिए ध्यान से, अगर नहीं भी हटाते हैं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिंपलीफाई करने में ऐसे आसानी रहती है। तो देखिए इक्वेशन नंबर ये जो 2 है हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो जब बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 6 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी, जब 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 यानी ये 2s हो जाएगा, 6 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 2 3 जा 6 तो ये 3t हो जाएगा, और 6 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो s की वैल्यू मिली वो मिली 3 + t, तो s की जो वैल्यू मिली वो 3 + t मिली, तो s की जगह हम रखेंगे 3 + t, है ना, s की जगह हम पुट करेंगे 3 + t, और ये पहले से यहाँ पे है 3t = 36, 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2t, है ना, 2 को t से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से 2t हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद ये हो गया +3t = 36, अब ध्यान दीजिए 3t + 2t बेटा ये हो जाएगा 5t = 36, और यहाँ पे 5t = हो जाएगा 36 - 6, क्योंकि ये 6 इधर ट्रांसफ़र होगा, नाउ 5t = बेटा ये हो जाएगा 30, और t = 30/5 यानी ये आ गया 6। तो इस तरीके से हमें t की हमें वैल्यू मिल गई, और t की वैल्यू मिली 6, ठीक है, तो t की न्यूमेरिकल वैल्यू मिली, ठीक। चूंकि पहले स्टेप में हमने s की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन टर्म ऑफ t, तो पहले से s की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो दूसरे स्टेप में हमें दूसरे वाले वेरिएबल यानी t की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई, ठीक। इसी तरीके से इसमें अपना स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करते हैं। इसमें देखिए, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है, तो ये जो y की वैल्यू हमने निकाली है पहले वाले इक्वेशन से, इसको हम पुट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन है 9x - 3y = 9, तो इस वैल्यू को, y की इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, देखिए 9x - 3 y की जगह हम रखेंगे, देखिए y की जगह क्या है 3x - 3, तो y की जगह रखे 3x - 3 = 9, नाउ 9x - 3 3 हो जाएगा 9x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, = 9। 9x से ये 9x कट जाएगा, और 9 = 9, बाप रे बाप, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल हट गया। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा केस आता है कि स्टेप नंबर सेकंड में वेरिएबल आपका गायब हो जाए, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट ही आ जाए, तो इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक। तो अब देखिए, तो ये हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसका मतलब ये x की अगर कोई वैल्यू लेंगे ना, x की कोई वैल्यू लेंगे तो x के साथ जो y की वैल्यू होगी वो सोल्यूशन ही होगी। चलिए देखिए, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन परफॉर्म सॉल्व करते हैं। तो इसमें x की वैल्यू हमने निकाली है 13 - 3y/2, इसमें जो x की वैल्यू हमने निकाली है वो 13 - 3y/2 निकाली है, अच्छा किससे निकाली है, इससे निकाली है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, और इस थर्ड वाले इक्वेशन से हमने इस वैल्यू को निकाला, एक्स की वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है। तो चूंकि थर्ड वाले से वैल्यू निकाले हैं तो हम इसको पुट करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, फोर्थ वाले में, ठीक है। तो देखिए पुट करते हैं, स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, है ना। अब ये हो जाएगा x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो देखिए 4 है पहले इक्वेशन में, तो 4 रख लिया, अब x है, x की जगह ये बड़ी सी वैल्यू रखेंगे 13 माइनस, बेटा इससे एक फ़ायदा ये होता है, इस चैप्टर को लगाने से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, ठीक है। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन, ये चैप्टर अगर आप मन से लगा लो, ठीक है, बहुत अच्छे से लगा लो, तो आपकी जो भी बेसिक कैलकुलेशन है वो यहाँ अच्छी हो जाती है, ठीक। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4, नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y होगा, क्योंकि 2 3 जा 6, 6y + 5y = आपका 23 हो जाएगा, ठीक है,
नाउ 26, 6y और ये 5y जो है आपका वो y होगा इज इक्वल टू 23, 6 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं बेटा, 6 को जब 26 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 26, माइनस 26 में से ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा माइनस 3 और यहाँ बचेगा माइनस वाई, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3, ठीक है। तो वाई की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 3, क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा तो वाई की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए, इस रूट वाले में है ना, रूट है तो गंदा तो लगेगा ही, फिर कोई बात नहीं। अब आते हैं स्टेप नंबर सेकेंड में, चूँकि पहले वाले इक्वेशन से है ना, पहले वाले इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो पहले वाले इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाले तो इसको पुट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में। दूसरे वाले इक्वेशन क्या है, रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ रखते हैं, एक्स की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा माइनस रूट 3 बाय रूट 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू यही आई है, माइनस रूट 3 बाय रूट 2 इंटू वाई, तो यहाँ पर हो गया वाई, ठीक है, माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन ऐसे होगी, माइनस 3y अपॉन रूट 2 हो गया, माइनस ये हो गया रूट 8y, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू 0, ये जो रूट 2 है, रूट 2 से जब देखिए रेशनलाइजेशन आपको पढ़ाया जाता है कि रेशनलाइजेशन में अगर डिनोमिनेटर से हमें स्क्वायर को, डिनोमिनेटर को स्क्वायर फ्री करना है तो रेशनलाइजेशन करते हैं, उसको रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 रूट 2 और नीचे रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 3 रूट 2 यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, माइनस 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2 है तो ये आपका y हो गया, माइनस ये जो रूट 8 है ना, रूट 8 देखिए 8 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 का पेयर बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 2 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट 8 को हम लोग लिख लिए 2 रूट 2 इज इक्वल टू ये 0 हो गया, ठीक। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम करते हैं, 3 रूट 2 अपॉन 2 वाई, यहाँ देखिए 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर 1 होगा तो 2 जा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब चूंकि दोनों का सेम है डिनोमिनेटर इसलिए ऐड हो जाएगा डायरेक्ट, तो माइनस देखिए 3 रूट 2 ये 4 रूट 2 ये हो जाएगा माइनस 7 रूट 2 वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 7 रूट 2 वाई, ठीक है, 7 रूट 2 वाई ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जब डिनोमिनेटर मिलाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। बेटा y की वैल्यू यहाँ 0 आ गई, यानी हमें जो वेरिएबल y की वैल्यू मिली, वेरिएबल y की जो वैल्यू मिली वो 0 मिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 0, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन में है ना स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं उसको दूसरे में पुट करते हैं। तो इसमें भी वैल्यू हमने, इसमें वैल्यू हमने दूसरे इक्वेशन से निकाली थी, तो दूसरे इक्वेशन में लिखा ना फ्रॉम सेकंड, दूसरे से निकाली थी तो इसको पुट करेंगे इस पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो पुट करते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये एक्स की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जो इक्वेशन है हमारा, जो इक्वेशन है वो है 3x बाई 2 माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब चाहते हैं अगर आप इसकी शक्ल थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो 3 इंटू 2 है ना, देखिए 2 से भी 6 कट जाएगा, 3 से भी 6 कट जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर हट ही जाए। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को, तो 2 3 जा 6, देखिए 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा 9x, 3 2 जा 6, देखिए है ना 3 2 जा 6, 5 यहाँ पहले से तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 6 इंटू माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। अब देखिए इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 9, x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 12, ठीक है। इस 2 को हटाने के लिए एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ, यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो देखिए 9 इंटू 13 माइनस 9 इंटू 3 हो जाएगा आपका 27y, 9 इंटू 3 27y,
टेन और टू ये आपका 20y हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 2 20y हो गया, इसके बाद ये आपका हो जाएगा -24, ठीक है। तो ये आपका -24 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 13 और 9, ये देखिए 9 3 जा 27, तो ये 2 हुआ, 9 1 जा 9 2 11 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 117 माइनस, ये 27y है, ये 20y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -47 -47 -47y हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया -47y इज इक्वल टू -24, ठीक है। तो -47 इज इक्वल टू -24 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 117 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। जब 117 को हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा -24 -117। अब देखिए क्या हुआ, देखिए 7 4 ये हो गया 11, है ना। 7 4 ये 11 हुआ, 1 कैरी कर लेंगे, 11 और 2 ये आपका 13 होगा, 11 2 13 होगा, और 1 हो जाएगा 14, यानी -141, ठीक है। तो -47y इज इक्वल टू 141 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए माइनस से माइनस साइन कट जाएगी, इज इक्वल टू 141, 47 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। बेटा सारे के सारे क्वेश्चन आप पहले एक एक स्टेप, सारे क्वेश्चन पहले पेज पे नोट कर लीजिएगा जैसे मैंने किया, ठीक है। उसके बाद पहले आप स्टेप नंबर 1 कर लीजिएगा, फिर स्टेप नंबर 2, फिर स्टेप नंबर 3, बस वहीं पे ये चैप्टर आपका फिनिश, ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी 3, है ना। वाई की वैल्यू आपको यहाँ 3 मिल जाएगी। तो इस तरीके से वाई की वैल्यू हमें 3 मिल गई, ठीक। तो अब आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 2 हमने सबका परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब स्टेप नंबर हम अपने 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या है, ठीक है। देखिए स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर हम स्टेप नंबर 1 में एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है वाई के टर्म में। अगर स्टेप नंबर 1 में हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वाई के टर्म में आती है, और अगर वाई की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स के टर्म में आती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो वाई के टर्म में आती है, और अगर वाई की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स के टर्म में आती है, ठीक। ये स्टेप नंबर 1 में होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि अगर आपने एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाली है पहले में, तो दूसरे में आपको वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है, जैसे अल्फ़ा। चूंकि एक्स की निकाली थी तो यहाँ वाई की वैल्यू मिली, यहाँ वाई की निकाली तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी मिलेगी, एक्स की, ठीक है। तीसरे में क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पुट करके हम एक्स की भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक्स को यहाँ पुट करके हम वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यानी तीसरे स्टेप में, देखिए दूसरे स्टेप में हमें एक वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है। अब हम क्या करेंगे तीसरे स्टेप में, है ना, हम दूसरे वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम उसको करते हैं। देखिए ध्यान से, इस पहले क्वेश्चन में हम देख क्या रहे हैं कि स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में जो वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है वो मिली है 5। वाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है वो मिली है 5, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में जो एक्स की वैल्यू निकाली थी हम, उसमें हम ये वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। यानी स्टेप नंबर 1 की वैल्यू में हम स्टेप नंबर 2 की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेप नंबर 2 की वैल्यू 5, इसको हम पुट करेंगे स्टेप नंबर 1 की वैल्यू में। तो देखिए y की जगह 5 रखेंगे, नाउ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14 माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका 9। x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है सही है कि नहीं, तो आप दोनों में x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। दोनों में अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो इसका मतलब हम लोग सही किए हैं, अदरवाइज ये गलत है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, चलिए देखिए। अब दूसरे में हम क्या देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे s की वैल्यू, है ना, t की वैल्यू निकाली है 6। तो इस दूसरे की, दूसरे स्टेप की वैल्यू को हम पहले स्टेप की वैल्यू में पुट करेंगे। पहले स्टेप की वैल्यू हमारी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये s इज इक्वल टू 3 प्लस t, टी की वैल्यू 6 आई है, तो टी प्लस 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। तो s की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। s की वैल्यू भी मिल गई और t की वैल्यू भी मिल गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें हमने जो, ओ ये तो आपका वो वाला है जिसमें कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया था, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए थे, ठीक है। अगला देखिए,
इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमें जो वाई की वैल्यू मिली थी वो 3 मिली थी, तो स्टेप नंबर 2 की वैल्यू को स्टेप नंबर 1 की वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 की वैल्यू को जब स्टेप नंबर 1 की वैल्यू में पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से लिखेंगे, स्टेप नंबर 3 में लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग वाई इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ये 5, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। तो पुट कर रहा हूँ मैं, देखिए 13 माइनस वाई की जगह रखेंगे हम 3 अपॉन ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2 यानी 4 बाई है ना 2, और ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू इस तरीके से आपको 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 है, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें, देखिए इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू हमें 0 मिली है, y की वैल्यू 0 मिली है, तो y की वैल्यू को हम पहली वैल्यू में पुट करते हैं, पहली वैल्यू ये है हमारी, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ रखेंगे y की जगह 3 और ये 2 हो गया, y की जगह जब बेटा 0 रखोगे, भाई 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाता है, तो यहाँ भी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि y की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो सेकेंड स्टेप की वैल्यू को फर्स्ट स्टेप की वैल्यू में रखते हैं, तो चलिए रखते हैं 3, 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 रख के अपॉन 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2 यानी 4 बाई 2 ये आ गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3, ये हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने परफॉर्म कर लिए। फिर से स्टेप सुन लीजिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जिसमें से हमें आसानी हो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर स्टेप नंबर सेकेंड में क्या करते हैं, अगर आपने x की वैल्यू, अगर आपने पहले स्टेप में x की वैल्यू निकाली है ना पहले इक्वेशन से, तो उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। यानी अगर पहले स्टेप में वैल्यू हमने पहले इक्वेशन से निकाली है तो उस वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करते हैं कि स्टेप नंबर सेकेंड में, स्टेप नंबर सेकेंड में जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, स्टेप नंबर सेकेंड में जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसको हम स्टेप नंबर 1 वाली वैल्यू में पुट कर देते हैं, और उस तरीके से हमें एक्स और वाई दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अगर स्टेप नंबर 2 में ऐसा आता है कि कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, है ना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हमें इसको सॉल्व करना है ना, तो पहले तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या कह रहा है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आप m की वैल्यू फाइंड आउट करिए, कहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और हमें दिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ध्यान रहे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है m की, और कहा है इसको सॉल्व करिए। अगर ना भी कहता सॉल्व करने के लिए, तो चूंकि m की वैल्यू आपको निकालनी है तो m की वैल्यू आप तब तक नहीं फाइंड आउट कर सकते जब तक आपको y की और x की वैल्यू ना मिल जाए, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की जब वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो उस x और y की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, आपको m की वैल्यू मिलेगी। अरे यार, इतना सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, तो ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो y की जगह ऐसे 5 पुट कर देंगे, x की जगह माइनस 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा यानी 5 इज इक्वल टू, देखिए माइनस 2m प्लस 3, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो 5 माइनस 3 माइनस 2m, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, और m इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 1। तो इस तरीके से हमें m इज इक्वल टू माइनस 1 वैल्यू मिल जाएगी। बेटा इस तरीके से सब्सटीट्यूशन मेथड हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया। अगर आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो पहला वीडियो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। और अब हमारा ये मेथड कंप्लीट हुआ। जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं पहले बता चुका हूँ, सारी वर्ड प्रॉब्लम इकट्ठे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं हम लोग छोड़ेंगे, ठीक। शुक्रिया।